इस बार उत्तर प्रदेश और केरल ट्रेड फेयर के फोकस स्टेट्स में शामिल हैं। केरल की पवेलियन में भी हमारी टीम पहुंची। इस बार ट्रेड फेयर का थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, और ये थीम केरल के पवेलियन में साफ देखा जा सकता है। जी आप पवेलियन में केरल की लोक संस्कृति के रंग तो आपको दिखेंगे ही, केरल की पारंपरिक कला के दर्शन भी आपको पंडाल में होंगे। केरल के मशहूर मसाले आपका जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पे हैं। केरल पवेलियन से हमारे संवाददाता तेजश्री की ये रिपोर्ट देखिए। इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश और केरल ये दो सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र हैं, और केरल के पवेलियन में जब आएंगे तो आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि केरल एक फोकस स्टेट है। फोकस स्टेट क्यों है हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले फोकस स्टेट इसलिए है क्योंकि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की थीम पर केरल को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। जब आप आएंगे यहाँ पर तब इसी तरह से आपको सभी कलाकार मिलेंगे, जो केरल की आप कह सकते हैं पद्धति है, जो केरल के इंस्ट्रूमेंट्स है उनको किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ये बताया जा रहा है इस पवेलियन में। और साथ ही साथ केरल में जो स्पाइसेस का यानी मसालों का इतिहास है वो इनके सीधे एंट्री डोर पर दर्शाया गया है। जब आप केरल की पवेलियन में आएंगे, हम सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि केरल ये जो पवेलियन है ये फोकस स्टेट क्यों है, इस बार क्या ऐसा खास है, व्हाट इज सो स्पेशल? पूरे डिजाइन केरल का ये जो लोकल प्रोडक्ट है एकदम पुराने पुराने हिस्ट्री से जो ग्लोबल हो गया है, अभी नहीं पुराने टाइम से जो ग्लोबल हो गया है, तो हमारा ये पूरे थीम उस पर बना हुआ है। तो इसी तरह से देखिए केरल के पवेलियन में लाइव आर्टिस्ट बिठाए गए हैं, और जिस गांव की जिस जो कला से पहचाना जाता है वो गांव, उसी तरह से यहाँ पर आर्टिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर लाइव आर्ट कर रहे हैं। और देखिए कथकली हम सभी जानते हैं कि एक फॉर्म है केरल का, और कथकली नृत्य से हम सभी वाकिफ हैं कि इस तरह से वेशभूषाओं में कथकली नृत्य किया जाता है। कुछ लाइव आर्टिस्ट और देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक आइकोनिक सिंबल होता है केरला का हिस्टोरिक, जिसे कहते हैं उरु, यानी कि ये उरु है जिसे हम शिप बिल्डिंग कहते हैं, और इसी तरह से ये बनाए जाते हैं। चलन जी ये बता सकते हैं आपकी इस वक्त ये जो लाइव आर्टिस्ट हैं ये क्या बना रहे हैं, व्हाट दे आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं इस वक्त? परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, ये चंदा है, वो गंजरा है। तो देखिए केरल का ये जो पवेलियन है वाकई में अपने आप में खास है। हमने देखा कि किस तरह से हर एक कला को, हर एक परंपरा को, हर एक संस्कृति को लाइव आर्ट के जरिए यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पपेट शो हो, फिर या फिर वो आप कह सकते हैं कि वाद्य संगीत हो। पवेलियन के भीतर जब आप आएंगे तो आपको इसी तरह से अलग अलग जो है मसाले यहाँ पर मिलेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मसाला जो है वो मशहूर है, और साथ ही साथ लोकल वोकल फॉर लोकल यानी कि जो मसाले वो यहीं बनाए जा रहे हैं। तो देखिए वाकई में कितनी गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टेट जहां से स्पाइसेस की जर्नी शुरू हुई थी, मसालों की जहां से यात्रा शुरू हुई थी, मसालों का जो गढ़ माना जाता है, वो आज केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक या एक शहर तक सीमित नहीं रहा, एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, देश तक सीमित नहीं रहा है, वो विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है, और शायद यही इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की खूबसूरती है। कैमरामैन दलवीर सिंह के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।